कमीशन कब तक मिल पाएगा ये तो फिलहाल पता नहीं, इसमें समय लग सकता है, लेकिन हमने 7 मांगे की, इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं की गई। सरकार ने कहा था कि वह 15 दिनों के भीतर मांगे मंजूर करेंगी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। उसके बाद सरकार ने रायगढ़ और नांदेड़ में हुए आंदोलन को भी नजरअंदाज किया। सरकार वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मेरे पास अनशन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए आज से अनशन कर रहा हूँ, ऐसा सांसद संभाजी छत्रपति द्वारा कहा गया। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए वादों और मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कैसे हुए इसकी समीक्षा की।